हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आने वाले मंथ में जो है कौन कौन सी वैकेंसी जो आने वाली है और उसको आपको मिस नहीं करना है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। हालांकि बहुत कम समय का वीडियो जो है बना रहा हूं, ये वीडियो दोस्तों आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हम ढेर सारी वैकेंसीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे जो आने वाले दिनों में आप लोग को ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पसंद आएगा लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों यहाँ पे। अभी अगर आप देखोगे जिसमें दोस्तों आईटीआई और डिप्लोमा वाले कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी लास्ट डेट जो है 11/9/2024 रखी गई है, और यहाँ पे ये जो पोस्ट है दोस्तों 861 पोस्ट है। तो बेसिकली जो वैकेंसी आई है दोस्तों तमिलनाडु पीएससी में आई है, सीटीएससी के तहत 300 पोस्ट अगर बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ पर जो है कोई भी डिग्री वाला कैंडिडेट जो है इंडियन बैंक में अप्लाई कर सकता है, जिसकी लास्ट डेट दोस्तों यहाँ पर 2/9/2024 रखी गई है। तो आप जो है ज़रूर फिलअप कीजिए। इसके बाद दोस्तों आईटीपीबी की जो है वैकेंसी आने वाली है, जहां पे दोस्तों 10वीं पास 12th पास आईटीआई वाले कैंडिडेट जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यहां पे दोस्तों अगर आप नंबर ऑफ़ वैकेंसीज की बात करेंगे तो 128 पोस्ट दोस्तों यहाँ पर 10वीं और 12वीं कैंडिडेट के लिए रखी गई है, 202 पोस्ट दोस्तों यहाँ पर आईटीआई वाले कैंडिडेट के लिए रखी गई है। 10/9/2024 जो है इसकी लास्ट डेट होने वाली है। इसी प्रकार दोस्तों अभी हाल में ही एक नई वैकेंसी आने वाली है जो NPCIL में आएगी, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। यहाँ पे दोस्तों ये इसका नोटिफिकेशन आ चुका है ऑलरेडी, लेकिन इसका ऑनलाइन जो है फॉर्म अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। ये जो है 22 अगस्त से स्टार्ट होगी, जिसकी लास्ट डेट दोस्तों 11/9/2024 रखी गई है। यहाँ पर दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही अच्छी पोस्ट आई है, पहली बार ऐसा हुआ है कि इतनी नंबर ऑफ़ पोस्ट आई है। यहाँ पे 152 पोस्ट दोस्तों 10वीं और 12वीं जो 12वीं PCM वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए आई है। बहुत ही अच्छी जॉब है। कैसी लाइफ होती है इस कंपनी मैंने बता रखा है, वीडियो ऑलरेडी चैनल में अपलोड है, उसको आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा और इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। और जिन्होंने ITI कर रखा है दोस्तों उनके लिए जो है 115 पोस्ट है। यहाँ पर टोटल जो है दोस्तों 267 जो है टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है दोस्तों, मैं बार बार बता रहा हूँ, काफ़ी अच्छा यहाँ पर आपको सिलेक्शन लेने का चांस है। और भी मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो कंपनी है बेसिकली यहाँ पे आपको रहने के लिए अच्छा टाउनशिप, मेडिकल फैसिलिटीज़ और बाकी जो एजुकेशन फैसिलिटीज़ होती है, आपके फैमिली, आपके बच्चे वगैरह, आपकी लाइफस्टाइल सब कुछ जो है यहाँ पे चेंज हो जाएगी। तो इसको जो है ज़रूर फिलअप कीजिएगा इस कंपनी में। सिलेक्शन कैसे लेना है वो आप अगर हमारा चैनल फॉलो करेंगे तो आपको ज़रूर यहाँ पर 100% श्योर है मैं आपको यहाँ पर सिलेक्शन दिला सकता हूँ। बस आपको करना क्या है, जो जो चीज़ें मैं बोलता हूँ आप उसको फॉलो करना है। तो इसका अगर आप चाहेंगे कमेंट करेंगे तो मैं इसका पूरा सीरीज़ लेके आ सकता हूँ। बस आप लोग का सपोर्ट होना ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों मैं तो हर चीज़ के लिए तैयार हूँ, लेकिन होता क्या है हमारे पास व्यूअर ही नहीं है, देखने वाले लोग ही नहीं हैं। अगर आप लोग चाहेंगे कि इसमें सिलेक्शन लेना है तो मैं आप लोग की पूरी मदद करूँगा, पूरा A to Z वीडियो इसके रिगार्डिंग बनाऊँगा। चलते हैं दोस्तों अगली वैकेंसी की ओर। तो अगली वैकेंसी दोस्तों हमारे पास इंडियन एयरफोर्स की वैकेंसी है, जहाँ पे दोस्तों 182 पोस्ट है। यहाँ पे 10वीं और 12वीं के पास कैंडिडेट जो अप्लाई कर सकते हैं। 1/9/2024 जो इसकी लास्ट डेट है। तो ये भी वैकेंसी काफ़ी अच्छी है, इंडियन एयरफोर्स में सिविलियन पोस्ट की आई है। मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है उसके रिगार्डिंग, आप एक देख लेंगे। बाकी दोस्तों और भी आने वाली पोस्ट के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों अगली वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। तो अगली वैकेंसी दोस्तों यहाँ पे हमारे पास 391 पोस्ट है। हालांकि दोस्तों ये जो वैकेंसी है गेल में आई है, जो बेसिकली एक पेट्रोकेमिकल कंपनी है, काफ़ी नामी गिरामी कंपनी है, महारत्न में आती है। यहाँ पे इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए इसकी जो लास्ट डेट है 7/9/2024 रखी गई है। यहाँ पर ITI, डिप्लोमा, BSc, BBA, BCom और CA के लिए जो है पोस्ट निकली हुई है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सिर्फ ऐसी पोस्ट है जहाँ पर आपको मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। अगर आपके पास है तो आप इसको मिस मत कीजिएगा, इसके लिए भी आप अप्लाई कर लीजिए। बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज़ और बहुत ही अच्छी चीज़ यहाँ पे आपको मिलेगा गेल की तरफ से। तो अगर आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुल होता है तो इसको ज़रूर फिलअप कीजिए। बाकी दोस्तों अगर आप सभी को मालूम है RRB JEE की पोस्ट है, जहाँ पर 7/9/51 पोस्ट है, जहाँ पर डिप्लोमा, BTEC और BSc वाले कैंडिडेट जो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने इसको नहीं फिलअप किया तो इसको भी ज़रूर फिलअप करिए। 29/8/2024 जो इसकी लास्ट डेट है। तो ये कुछ वैकेंसीज थी जिनको आपको ज़रूर फिलअप करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों हमने जो है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दे दिया है। तो इन सारी वैकेंसी को मिस मत कीजिए, जितना जल्दी हो सके अप्लाई कर दीजिए।
तो यहीं से हम वीडियो को एंड करते हैं। इसी प्रकार हम वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।